हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज नई लोकेशन के साथ मैं लेके आया हूँ आपको आजीविका सरस मेला 2023 जो गुड़गांव सेक्टर 29 में लगा हुआ है। और यहाँ आने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है इफ्को चौक, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको ये दिख जाएगा। और काफी बड़े एरिया में यहाँ पर ये लगा हुआ है। अलग अलग स्टेट के यहाँ पर स्टॉल काफी सारे लगे हुए हैं, जहाँ पर आपको काफी कलेक्शन देखने को मिल जाएगी, चाहे डेकोरेशन की बात हो, चाहे कपड़ों की बात हो, चाहे खाने की बात हो। और एंटरटेनमेंट के लिए भी काफी सारी चीजें हैं और खाने पीने का भी बहुत बड़ा स्टॉल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वैसे भी आजीविका सरस मेला जो है वो अपने आप में एक नाम है। तो चलिए अंदर एंटर करते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है इफ्को चौक, और इसके 2 नंबर गेट से बाहर निकलेंगे तो राइट साइड में वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको दिख जाएगा यहाँ एंट्री गेट आजीविका सरस मेले का। और 11 नवंबर तक ये चलने वाला है। दोस्तों, एंट्री गेट पर यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री है। और ये दलेर मेहंदी का एक इवेंट यहाँ होने वाला है 2 नवंबर को रात को 8 बजे। और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो एड्रेस है सेक्टर 29, और ये गुड़गांव का बेजर वैली पार्क ये ग्राउंड है। और ये है गेट नंबर 3, और मेन एंट्रेंस ये है। अब यहाँ से कमते हैं एंट्री। दोस्तों, एंट्री करने के बाद अंदर का जो व्यू है वो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। और यहाँ पर सेल्फी के लिए, और यहाँ लिखा हुआ है सरस में हैं हम, तो आप सेल्फी फोटोग्राफी यहाँ पर कर सकते हैं। और इसी के राइट साइड में वेलकम पेविलियन, और ये देखिए काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में स्टॉल लगाए गए हैं, तो एक एक करके मैं काफ़ी स्टॉल यहाँ कवर करने की कोशिश करूँगा। और ये भी एक छोटा सा पंडाल बनाया गया है, यहाँ पर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ देखें तो यहाँ पर इस तरह की कुछ मूर्तियाँ जो वुडन में आपको मिल जाएंगी। ये अलग अलग तरह से फोटोग्राफी करते हुए देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर, और काफी सारी रेंज है इनके पास। और ये आंध्र प्रदेश का स्टॉल है, यहाँ पर आपको कपड़े मिल जाएंगे, साड़ियाँ। और एक ये असम का स्टॉल है यहाँ पर। इस तरह की कुछ रेंज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये देख सकते हैं कुछ अलग ही टाइप की चेयर, बहुत ही यूनिक है। और ये छोटी सी टेबल, इस तरह की और भी चीजें हैं इनके पास। इसके अलावा ये कुछ यहाँ पर कुर्ती बैग का जो स्टॉल आप देख सकते हैं, ये राजस्थान का है। और ऐसे बहुत सारे स्टॉल हैं, मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। ये राजस्थान के स्टॉल बहुत सारे हैं यहाँ पर। इसी के साथ ये वेस्ट बंगाल का भी देख सकते हैं स्टॉल। बीच में आपको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ इस तरह की चीजें भी मिल जाएंगी। ये 3 सेकंड है। लोहे के बर्तन अगर लेने हैं, कढ़ाई तवा वगैरह, तो ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये है यूपी का स्टॉल, थोड़ी सी कलेक्शन दिखा देता हूँ आपको। बच्चों के लिए टॉय वगैरह भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, ये वो काफी बड़ा स्टॉल है। इनकी रेंज में इनसे पूछूं, भैया रेंज कितनी है इनकी? 150 का कोई भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये है उत्तराखंड का स्टॉल।
क्या प्राइस है इसका? 700 ये 700 रुपए का है। और इस तरह की आर्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये भी आप डेकोरेट करने के लिए यहाँ से ले सकते हैं, काफी अच्छी है। ₹1200 और ये वाली जो ऊपर है, हाँ 1500। तो कुछ इस तरह की रेंज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन क्वालिटी काफी अच्छी है। आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह लेने हो आपको तो यहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए दिवाली आ रही है और डेकोरेशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और त्रिपुरा का आपको ये स्टॉल यहाँ पर मिल जाएगा। और इनकी जो आर्ट है वो आपको देखिए कितने सुंदर तरीके से डिज़ाइन की गई है। और वुडन की कुछ चीज़ें हैं देखिए, जूते सैंडल लेने हो तो आपको यहाँ पर ये यूपी का एक स्टॉल है, यहाँ से ले सकते हैं। ये चप्पल वगैरह सैंडल शूज लेदर के और ये अलग अलग वैरायटी का अचार आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इनका प्राइस भी लिखा हुआ है। ये कुछ मसाले हैं उसमें डालने के लिए और इनके अलावा कुछ इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाएंगी, नमकीन वगैरह। दोस्तों काफ़ी बड़े एरिया में इसको लगाया गया है और एक गेट ये भी यहाँ पर एंट्री के लिए। और यहाँ देख सकते हैं 25 साल हो गए इसको लगते हुए यहाँ पर, और हर साल का यहाँ पर एक फ़ोटो आपको देखने को मिलेगा। 1999 का ये लगा हुआ है और 2023 अभी चल रहा है, तो बीच में आप देख सकते हैं ये 25वां साल है इसको। दोस्तों यहाँ पर जो जितने भी स्टॉल आप देख रहे हैं यहाँ पर अचार पापड़ और आपको इस तरह की कुछ चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर, और नमकीन वगैरह। तो वो मैंने क्वालिटी थोड़ी दिखा दी है, तो आगे चलते हैं। और शुद्ध देसी घी की दूध की मिठाइयाँ यहाँ पर मिलेंगी आपको। देखिए ये वाला स्टॉल भी है जहाँ पर आप मीठा टेस्ट कर सकते हैं और क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। दोस्तों बहुत सारे स्टॉल अलग अलग स्टेट के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि ट्रेड फेयर के बराबर ही हो गया। और इसी के सामने देखिए यहाँ पर एक स्टॉल नहीं मतलब स्टेज है काफ़ी बड़ी, जो यहाँ पर जो इवेंट होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अभी 2 तारीख को जो दलेर मंडी जी आएंगे वो आपको यहीं पर परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे, तो आप ज़रूर आएँ। और इस लाइन में आपको केरला के स्टॉल देखने को मिलेंगे और इनकी जो क्वालिटी है कुछ प्रोडक्ट इस तरह की है, चिप्स वगैरह मिलेंगी आपको यहाँ पर। इस लाइन में जितने भी स्टॉल हैं ये सारे केरला के हैं और लगभग इसी तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मिट्टी के कुछ आइटम हैं जिनको पॉलिश किया जा रहा है अभी, और जो पॉलिश हो चुके हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो 150-200 रुपये की जो क्वालिटी है वो भी देखी, और ये हाई रेंज की है थोड़ी। तो बटाएगा तो जगह रखा रहेगा। ये इस तरह की यहाँ पर वैरायटी आपको देखने को मिलेगी जो अक्सर सूरजगुंड में भी मिलती है। और ये एक स्टॉल मिलेगा आपको यहाँ पर, कुशन कवर मिल जाएंगे अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग रेंज के। और एक स्टॉल है जहाँ पर आपको जूतियाँ मिलेंगी, ये जयपुर का स्टॉल है। जयपुर की नहीं, पंजाब की। पंजाब की सर, सॉरी, ये जो स्टॉल है पंजाब का है और जो क्वालिटी है जूतियों की काफी अच्छी है। सर रेंज कहाँ से स्टार्टिंग है? 350। 350 से रेंज स्टार्ट है। और हाईएस्ट? हाईएस्ट आता है 750। 750 की हाईएस्ट रेंज है इनके पास।
आपकी बालकनी के लिए कुछ इस तरह के झूले भी मिल जाएंगे जो आप सामने देख रहे हैं ये, और कुछ ये सेट हैं डाइनिंग सेट वगैरह, और छोटे छोटे डेकोरेट करने के लिए ये इस तरह के गमले रखने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी। तो काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पर है जो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या है, बच्चों के लिए कुछ झूले वगैरह लगाए गए हैं यहाँ पर। दोस्तों बच्चों के लिए कुछ झूले यहाँ पर लगाए गए हैं, अलग से एक पार्टीशन किया हुआ है, और आर्टिफिशियल घास है नीचे आप देख सकते हैं, बहुत साफ सुथरे तरीके से बनाया गया है। ये कुछ साफ सीढ़ी के लिए यहाँ पर खेलने के लिए गेम है, इस तरह के गेम आपको मिलेंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए। और यहाँ पर जो प्राइस है भैया, प्राइस क्या रखा बच्चों का यहाँ पर एंट्री? फ्री है। तो ये जो यहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं बिल्कुल फ्री है। दोस्तों एक ये स्टॉल है केरला का, और यहाँ पर ये कुछ चीज़ें देख सकते हैं आप, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है। ये पर्स देख सकते हैं यहाँ पर, और सर ये प्राइस है जो लिखा हुआ है 1800 1500 लास्ट है, थोड़ी बार्गेनिंग हो जाएगी मतलब, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर डिस्काउंट ले सकते हैं सर से। तो लेकिन जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अलग अलग तरह के पर्स हैं। लेदर का है सर, मिनिमम से मैक्सिमम 1500, मैक्सिमम 1500 स्टार्टिंग, हाईएस्ट 3500। तो 1500 से स्टार्टिंग है और 3500 तक इनकी रेंज जाती है, कुछ इस तरह की रेंज। इसके अलावा कुछ मिट्टी के बर्तन आप यहाँ पर देख सकते हैं, चपाती रोटी के लिए पराठा बन जाता है, तवा। ये तवा है, तवा है। क्या प्राइस है इसका? 480। दोस्तों एक स्टॉल मिलेगा आपको कर्नाटक का, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, और कर्नाटक की कुछ चीजें इस तरह की होने वाली है यहाँ पर, कुछ पेंटिंग है, और इनके अलावा कुछ अलग अलग तरीके के ये लैंप मिलेंगे आपको। लैंप की जो क्वालिटी है आप देख सकते हैं, अभी हम इनसे रेंज भी जानते हैं, कुछ छोटे लैंप भी हैं, कुछ बड़े भी हैं। सीजन में बहुत ही अच्छी लगती है। क्या प्राइस है? 650 में दोस्तों अगर चलते चलते थक जाए, आपको भूख लगे, तो आपके लिए यहाँ फूड कोर्ट बनाया गया है काफी लंबे चौड़े एरिया में, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सरस फूड कोर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ चारपाइयां डाली गई हैं, ये बहुत ही देसी लुक देता है और बहुत ही आराम मिलता है इनके ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग आराम से रेस्ट कर रहे हैं फूड कोर्ट में, और काफी स्पेस है अंदर, तो यहाँ पर खाने पीने के भी काफी सारे ऑप्शन है, अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं ताकि भीड़ ना हो। दोस्तों देख सकते हैं फूड कोर्ट को कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर डेकोरेट किया गया है, और ये कुछ प्लेट्स हैं जो पीछे लगी हुई हैं, ये मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और देख सकते हैं डेकोरेशन उसका लिखा हुआ है इंडियन फूड कोर्ट, और बाहर मैंने दिखाया आपको ये चारपाइयां वगैरह डाली हुई हैं, और अंदर काफी स्पेस है, कूलर वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट है खाने पीने का। दोस्तों विंटर कलेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि सर्दियों ने दस्तक दे दी है, तो उसके लिए यहाँ पर इस तरह की कलेक्शन भी आपको मिल जाएगी। नेवी जैकेट, नेवी जैकेट की स्टार्टिंग कितने से है? 1150 से स्टार्टिंग मिल जाएगी आपको, और कुछ इस तरह की यहाँ पर वैरायटी होने वाली है। और ये है झारखंड का स्टॉल। अब आ गए हम जम्मू एंड कश्मीर के स्टॉल पे, यहाँ की क्वालिटी देख सकते हैं आप, इसके अलावा कुछ कुर्ती सूट वगैरह ये देख सकते हैं, कलेक्शन काफी अच्छी होती है इनकी, लेकिन रेंज भी उसी तरीके की है, 2000, 2500, 3000। दोस्तों ये सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है, ये विंडो बनाई गई है कुछ इस तरह की, लगता है कि हम फोटो फ्रेम में खड़े हुए हैं, और बहुत सुंदर तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है, कुछ टायर पड़े हुए हैं, कुछ साइकिल का हिस्सा है देखिए, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लोग यहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं। दोस्तों बीच में एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई गई है यहाँ पर, और देख सकते हैं यहाँ इंडिया का मैच चल रहा है इंग्लैंड के साथ, तो लोग यहीं रुक गए हैं, देखिए यहाँ पर मैच, और इसी के बराबर में फूड कोर्ट भी है, और काफ़ी सारे स्टॉल मैंने दिखाए आपको, तो इस तरह का एंटरटेनमेंट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों कारपेट वगैरह लेने हो तो एक स्टॉल मिलेगा आपको यूपी का, ऊपर देख सकते हैं, और जो कलेक्शन है वो जिस तरह की है, साइजेस बहुत सारे हैं इनके पास अलग अलग, और ये देखिए यहाँ पर इनकी क्वालिटी, और ये देखिए रेंज। भैया क्या प्राइस है इसका, क्या इसका साइज है?
5 बाई 7 का साइज है सर। 5 बाई 7 और साइज वो क्या है इसका प्राइस? प्राइस है 3500 का है और 20% डिस्काउंट हो जाएगा। 20 के अलावा और भी हो जाएगा? तो यूपी का स्टॉल है ना? देखिए सर, इस तरह की कलेक्शन लोग आपको यहाँ पर मिल जाएगी, काफी सारी कलेक्शन इन्होंने दिखाई और साइजेस बहुत सारे हैं यहाँ पर, अलग अलग साइजेस में मिल जाएंगे। ये सारे डिजाइन आपको मिल जाएंगे, तो इस वाले स्टॉल को आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पर। और ये है एमपी का स्टॉल और इस लाइन में फिर एमपी के स्टॉल हैं। ये देखिए, ये कुछ साड़ियाँ हैं यहाँ पर दोस्तों। हिमाचल प्रदेश का एक स्टोर मिलेगा जहाँ पर आपको ये विंटर कलेक्शन देखने को मिलेगी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। ये जैकेट देख सकते हैं और उसके अलावा कुछ स्टॉल वगैरह भी हैं दोस्तों। काफी सारे स्टॉल हमने देखे और बहुत सारे बीच बीच में यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जैसे एक ये देख सकते हैं यहाँ पर, काफी यूनिक डिजाइन में आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ फिल्म की तरह की जो रील है वो बनाई हुई है और सामने कुछ तरह से व्यू है इसका, तो इसको भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं यहाँ पर फोटो खिंचाने के लिए। और इसके अलावा देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो टोकरी होती है उसके अंदर यहाँ पर लाइट लगा दी गई है, इसका जो रात को जो लुक आएगा बहुत प्यारा आएगा। और नीचे बैठने के लिए स्पेस है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर सरस आजीविका मेला 2023, ये भी एक सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है। और एक स्टॉल ये है दोस्तों काफ़ी बड़ा, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है देखिए कारपेट के लिए, और अलग अलग साइज़ के कारपेट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। भैया क्या प्राइस है इसका? 2700 रुपये। दोस्तों एंट्री करते ही आपको एक स्टॉल मिलेगा जहाँ लिखा हुआ लखपति दीदी पैविलियन, मैं बनूंगी लखपति दीदी। ये क्या है देखते हैं। ये है लखपति दीदी का स्टॉल, यहाँ पर अलग से लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ इनका काम करने का उसको हाईलाइट किया हुआ है। देखिए यहाँ पर आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पूरा आजीविका सरस मेला जो है ये गुड़गांव में जो लगा हुआ है मैंने आपको पूरा दिखाया, और पीछे आप देख सकते हैं डेकोरेशन कितनी अच्छी है, पूरा साफ सुथरा तरीके से बना हुआ है और काफी लंबे चौड़े एरिया में है। कम से कम आपको 2 घंटे आपको चाहिए होंगे यहाँ आने के लिए। तो काफी सारे स्टॉल यहाँ मैंने दिखाए, मैक्सिमम चीजें दिखाने की कोशिश की है लेकिन फिर भी कुछ रह गई हैं, आपको उन्हें देखने के लिए यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और बहुत यूनिक सी चीजें हैं, आपको आपके आके काफी अच्छा लगेगा। और एंट्री बिल्कुल फ्री है, तो आइएगा आप यहाँ जरूर। 11 तारीख तक ये आपको लगा हुआ मिलेगा यहाँ पर सेक्टर 29 के ग्राउंड में जो लेजर वैली के पास है। तो ऐसी किसी नई वीडियो में फिर लेके चलूंगा आपको, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। लेकिन इससे पहले आप सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे, बाय बाय।